अस्सलामुअलैकुम, गुड इवनिंग फ्रॉम अंतालिया। आज सेकंड डे है तुर्की में और आज का कुछ इस तरह से प्लान था कि सुबह उठने के बाद एक दो काम थे जो कि बहुत ज़रूरी थे। एक तो कल संडे था, संडे की वजह से डॉलर्स एक्सचेंज नहीं कर सका था मैं, वो करवाए सबसे पहले। देन उसके बाद सिम लेनी थी और सिम का काम किया और अब उसके बाद पहुंचा हूँ यहाँ पे अंतालिया का जो सिटी सेंटर है वहाँ पे। भूख ज़्यादा लगी हुई थी और उस खाना वाना कुछ अभी ऑर्डर किया है इस रेस्टोरेंट से, अभी दिखाता हूँ खाना आ जाए क्या ऑर्डर किया है वो भी दिखाऊंगा। देन उसके बाद आपको सिटी सेंटर का एक शॉर्ट सा टूर करवा दूंगा। अभी रात का टाइम है, कल अगेन इस जगह पे चक्कर लगा लूँगा, लेकिन जो है वो अभी फ़िलहाल जो है ना वो एक नाइट लाइफ का जो है ना आपको आइडिया आ जाएगा कि क्या है। ये है जो खाना मंगवाया है अभी, जो कि है कोफ्ते। कोफ्ते क्या है, कोफ्ते पोर्शन, और उसके साथ ये एक आयरन है और ये सैलेड था जो कि ख़त्म कर चुका हूँ। खाना वाना खाने के बाद जो है वो अभी इस टाइम डाउनटाउन की तरफ पैदल जा रहा हूँ और ये कोई मॉल, इनका जो है ना मॉल है पीछे, जो इस जगह का नाम आगे कलीची है और इस जगह का नाम जो है वो मार्क मॉल है। उसके अंदर कोई ये सॉर्ट ऑफ एक मार्केट है जो कलीची की तरफ जाती है, अभी उस मार्केट की तरफ ही जा रहा हूँ। और ये बड़ा ज़बरदस्त किस्म का जो है ना वो एक टूरिस्टिक प्लेस लग रही है, काफ़ी सारे फॉरेन टूरिस्ट भी नज़र आ रहे हैं, तो आपको भी दिखाता हूँ क्या है इसमें मार्केट में। नॉर्मली ज़्यादातर जो है ना वो शॉप्स हैं, कुछ सोवेनियर की शॉप है, ड्राई फ्रूट वगैरह हैं, फिर आइसक्रीम है एंड रेस्टोरेंट्स हैं। ओके जी, तो अभी इस टाइम पहुंच गया हूं इनका अंतालिया का जो क्लॉक टावर है वहां पे। ये मेरे पीछे इस जगह पे आपको क्लॉक टावर नज़र आ रहा होगा और यहां से बेसिकली जो है वो सिटी डिफरेंट वेज़ में जो है ना वो डिवाइड हो रहा है। आगे कलीची जो कि इनका डाउनटाउन है उस तरफ, देन मरीना की तरफ और ओल्ड अंतालिया की तरफ जो है ना वो यहां से आगे डिवाइड होकर रोड़े जा रही हैं, रास्ते जा रहे हैं। यहाँ पे ये पीछे एक ये इनका क्लॉक टावर हो गया, वहाँ पे एक पीछे जो है ना वो एक कोई फेमस मस्जिद है, उसका नाम क्या है वो मुझे अभी मालूम नहीं पता। और ये एक कोई स्टैचू है जो है अटलोस टू 1850 जो है ना वो उसकी डेट लिखी हुई है। ये इनका स्टैचू बना हुआ है जो मैंने अभी आपको दिखाया है। तो ये है मेन बेसिकली जो है ना वो एक मेन कलीची टूरिस्टिक प्लेस अंतालिया की, जहाँ पे आप आकर विज़िट इसको इस जगह पे विज़िट कर सकते हैं। रोड साइड जो है ना वो बहुत खूबसूरत किस्म के जो है ना वो कैफ़ेज़ बने हुए हैं, उनके टर्किश जो डिलाइट्स हैं उस चीज़ के, कहवा चाय कॉफ़ी, तो आप बैठ कर वो चीज़ें इंजॉय कर सकते हैं।
पूरा जो डाउनटाउन है उसको एक्सप्लोर किया, आपने देखा होगा वीडियो में, क्लॉक टावर से स्टार्ट किया, डाउनटाउन गया और देन उसके बाद जो है वो जो उनका मरीना है जहाँ पे बोटिंग वोटिंग, वहाँ पे इतनी कुछ ज़्यादा वीडियो ये शॉर्ट्स नहीं ले सका क्योंकि वहाँ पे अंधेरा बहुत था, चूँकि इनका ऑफ सीज़न है तो उसकी वजह से अभी इनका जो स्ट्रीट्स लाइट्स हैं वो भी कुछ थोड़ी सी कम है उस साइड पे और रश भी नहीं है, तो इस वजह से जो नॉर्मल शॉप्स वगैरह हैं वो भी बंद हैं। तो अभी इस टाइम जो है वो मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि कहाँ पे हूँ। यहाँ पे मैं अपना ये नाइट का जो टूर है अंतालिया का ये एंड करूँगा। ये हैड्रियंस गेट है, ये क्या है, ये जो है वो इनका 131 to 132 AD में जो इनके एक मेयर होते थे या आई थिंक कोई एम्परर थे, वो डालिया से जो है ना वो यहाँ पे आए थे, तो जिसकी वजह से यहाँ के लोकल लोगों ने उनको वेलकम करने के लिए ये गेट जो है ना वो मेरे पीछे देख सकते हैं ये वाला गेट बनाया गया था ताकि उनको वहाँ यहाँ पे एक अच्छे तरीके से वेलकम किया जाए। और जैसे इस गेट की हिस्ट्री हुआ यहीं से यहाँ के जो है ना वो एक ओल्ड टाउन और बहुत ज़बरदस्त किस्म के बाज़ार वगैरह हैं पीछे, हम मैंने वो सारा एक्सप्लोर किया है अभी ना, आपने आपको वीडियो में देखा भी होगा आपने पीछे। तो बाकी जो है फर्दर इसकी हिस्ट्री आहिस्ता आहिस्ता अंतालिया में मैं अभी 2-3 दिन हूँ, आपको एक डे ट्रिप भी करवाऊँगा, आप वो भी देखिएगा तो आपको एक बेहतर तरीके से अंतालिया एक देखने को मिलेगा और अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अभी इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करूँगा और आपसे मिलूँगा इंशाल्लाह सुबह। अभी वापस जाऊँगा अपने होटल और यहाँ से अभी ट्राम वगैरह या बस वगैरह लूँगा और जाऊँगा। और एक सबसे बड़ा मसला ये हुआ, अभी वॉलेट निकालते वक्त मेरा जो है ना वो जो ट्राम का कार्ड था वो कहीं गिर गया, वो मुझे मिल नहीं रहा, तो देखते हैं अभी वापस कैसे जाऊँगा, पहले उसका जुगाड़ करूँ फिर उसके बाद वापस घर की तरफ निकलूँगा, घर मतलब होटल की तरफ। सो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।